Subscribe Hookah and Khaat for latest technology video and press the bell icon for more updates. राम राम भाइयों, मैं ठाकुर प्रकाश चौहान स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल हुक्का एंड खाट पे। तो आज हम बात करेंगे YouTube की नई मोनेटाइजेशन पॉलिसी के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला शौक मेरा दाढ़ी मूछ का, दूसरा पीना हुक्का। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर का बटन है, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए बात करते हैं YouTube की मोनेटाइजेशन पॉलिसी के बारे में। तो दो मिनट के लिए इसे यहीं पे ड्रॉप करते हैं, पहले देखते हैं कि YouTube का पहले क्या पॉलिसी हुआ करता था। तो 2016 में YouTube का पॉलिसी कुछ ऐसा था कि आप YouTube पे गए, आपने चैनल क्रिएट किया, अपना कंटेंट अपलोड किया और उसे उसी समय मोनेटाइज कर सकते थे, जिसका बहुत सारे लोगों ने मिसयूज़ किया। उन्होंने अपना चैनल क्रिएट किया, वल्गर कंटेंट अपलोड किया, जिस वजह से कंटेंट वल्गर होने की वजह से उस वीडियो पे बहुत सारे व्यू मिलने लगे, बहुत सारे हिट आने लगे, बहुत सारा वॉच टाइम मिलने लगा और उस वीडियो पे बहुत सारे ऐड आने लगे, जिसको एडवर्टाइजर्स ने एनालाइज़ किया। फिर उन्होंने धीरे धीरे यूट्यूब छोड़ना स्टार्ट कर दिया एडवर्टाइजर्स ने। फिर यूट्यूब ने अपना एक पॉलिसी नया अपग्रेड किया, जिसमें ये था 2017 में कि आप अपने चैनल को तभी मोनेटाइज कर सकते हैं जब आपके चैनल पे 10,000 व्यू हो जाएंगे। तो फिर से लोगों ने चैनल स्टार्ट किया, उस पर कंटेंट अपलोड किए और उस वीडियो का, उस कंटेंट का लिंक सोशल मीडिया पे शेयर करना स्टार्ट कर दिया, जिस वजह से 10,000 व्यू पाना कोई बड़ी बात थी नहीं। लोगों के 10,000 व्यू पूरे होने लगे, लोगों का चैनल रिव्यू में जाने लगा, चैनल निकल के आने लगा, मोनेटाइज होना स्टार्ट हो गया। उसके बाद फिर से लोगों ने वल्गर कंटेंट अपलोड करना या अनवांटेड कंटेंट अपलोड करना स्टार्ट किया, जिसके वजह से फिर से एडवर्टाइजर्स ने यूट्यूब छोड़ने का फैसला किया। तो यूट्यूब ने अपना फिर से पॉलिसी अपग्रेड किया 2018 में। जो पॉलिसी ये है कि जब तक आपके चैनल पे 4,000 घंटे का वॉच टाइम प्लस 1,000 सब्सक्राइबर नहीं हो जाए, तब तक आप अपने चैनल को मोनेटाइज नहीं कर सकते, आपका चैनल मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल नहीं है। तो मेरे साथ क्या हुआ, जैसे कल मेरा चैनल 10,000 व्यू पूरा किया, वो रिव्यू में गया और आज मुझे ये न्यूज़ मिल रहा है कि YouTube का कुछ ऐसा पॉलिसी मार्केट में आ गया है। तो फिर मैं थोड़ा डर गया, घबरा गया कि अब क्या करें, इतनी मुश्किल से 10,000 व्यू पूरे हुए थे। लेकिन फिर जब मैंने अपने चैनल को एनालाइज़ किया तो मैंने देखा कि मेरे चैनल पे दिन में 100 से 150 व्यू आते थे, अगर ज़्यादा हो गया तो 200 व्यू चले जाते थे। तो फिर मैंने सोचा कि अगर मेरे चैनल पे दिन में 200 व्यू 150 व्यू आ रहे हैं तो अगर मेरा चैनल मोनेटाइज हो भी जाता तो फिर मुझे कितनी अर्निंग हो जाती, कुछ भी नहीं। तो फिर मैंने थोड़ा सोचा, समझा, देखा कि क्या है। तो फिर मैंने कैलकुलेट किया तो पता लगा कि आपके एक वीडियो पे अगर एक बंदा एक मिनट भी वॉच टाइम देकर जाता है तो आपको टोटल व्यू चाहिए 240,000 व्यू एक साल में। तो एक साल तो बहुत बड़ी बात हो गई। अगर आपका कंटेंट जेन्युइन है, आपका थंबनेल अट्रैक्टिव है, टाइटल बढ़िया है, टैग्स आपने अच्छे डाल रखे हैं, तो आपके चैनल पे हिट मिलेंगे। अगर कंटेंट जेन्युइन है तो जरूर हिट मिलेंगे, आज नहीं मिले कल मिलेंगे, कल नहीं मिले परसों मिलेंगे। और इस मोनेटाइजेशन पॉलिसी से ना कहीं हमारा ही फायदा है, जो जेन्युइन कंटेंट क्रिएटर है उनका फ़ायदा है, क्योंकि इससे अनवांटेड कंटेंट यूट्यूब पे बैन हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। जब उनको मोनेटाइजेशन, उनका चैनल एलिजिबल ही नहीं होगा तो अपने कंटेंट को अपलोड नहीं कर पाएंगे, अपलोड कर भी दिए तो मोनेटाइज नहीं कर पाएंगे तो उनको कोई अर्निंग नहीं होगा, तो वो फालतू में यूट्यूब पे टाइम देंगे नहीं। तो इस वजह से अनवांटेड कंपटीशन हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो बात करें 240,000 व्यू की, तो उतना मुश्किल भी नहीं है जितना हम लोग सोच रहे हैं। हम लोग नए यूट्यूबर्स हैं, नए कंटेंट क्रिएटर हैं, तो हम सोच रहे हैं 240,000 व्यू कहाँ से आएंगे। तो जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, 240,000 व्यू कहाँ से आएंगे। अभी मेरे चैनल पे 30-40-50 व्यू आते हैं बस। लेकिन फिर भी थोड़ा सब्र रखें, कंटेंट जेन्युइन बनाएं, बढ़िया क्वालिटी दे, क्वालिटी नहीं भी बढ़िया तो कंटेंट की क्वालिटी बढ़िया होनी चाहिए, जिससे आपके वीडियो पे अगर लोग आ गए तो पूरा देख कर ही जाए। और वीडियो पे लोगों को लाने के लिए आप अपना लिंक से सोशल मीडिया पे बिल्कुल शेयर करें और यूट्यूब को कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आपके चैनल पे उनको अब वॉच टाइम से मतलब है, व्यू से मतलब नहीं है। तो आप अपना खुल के सोशल मीडिया पे लिंक शेयर कर सकते हैं। मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप अपना टाइटल बढ़िया डालें, जो सर्चेबल टाइटल है, हो सके तो गूगल कीवर्ड्स का यूज़ करें। उसके बाद डिस्क्रिप्शन बढ़िया डालें, डिस्क्रिप्शन में 4-5 कीवर्ड जरूर डालें। टैग्स, बात करें टैग्स की,
तो जो आपने टाइटल रखा है उसका टैग तो जरूरी डालें, और टैग्स आप गूगल कीवर्ड प्लानर की मदद से भी ले सकते हैं, और थंबनेल कुछ ऐसा अट्रैक्टिव बनाए कि लोग देखते ही आपका वीडियो पे क्लिक कर दे, और क्लिक करे तो पूरा देख कर ही जाए। तो ऐसे अगर हिसाब लगाए हम तो एक वीडियो पे 1 मिनट वॉच टाइम तो 2,40,000, कोई बड़ी बात नहीं है। 1 महीने में नहीं होगा, दूसरे महीने में हो जाएगा, दूसरे महीने में, तीसरे महीने में हो ही जाएगा अगर आपका कंटेंट जेन्युइन है तो। और बात करें सब्सक्राइबर की, तो जब आपके चैनल पे 2,40,000 व्यू आ जाएंगे ना, तो आपको 1,000 सब्सक्राइबर कोई बड़ी बात नहीं है, सब्सक्राइबर 1,000 से पार हो जाएगा, समझे। तो पैनिक होने की बात नहीं है, आराम से अपना काम करते रहें, क्रिएट करते रहे कंटेंट, अपलोड करते रहे, और थोड़ा सब्र रखें। तो ये थी भाई आज की वीडियो, अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दे, अगर कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दे, और अगर आप नए हो इस चैनल पे तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसे सब्सक्राइब भी कर दे। राम राम।